सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने ठंड के कारण शाला संचालन समय में किया परिवर्तन। दरअसल सरगुजा जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिले के समस्त विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। साथ ही कहा है कि जारी आदेश अनुसार अब दो पाली में संचालित होने वाले स्कूल प्रथम पाली में सोमवार से शुक्रवार तक की कक्षाएं सुबह 9 से 12:30 तक तथा शनिवार और अपराहन 1:45 से 4:15 तक और दूसरी पाली में सोमवार से शुक्रवार अपराहन 1:45 से 4:15 तक और शनिवार को सुबह 9 से 12:30 तक शालाएं संचालित होंगी। इसी प्रकार एक पाली वाले स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:45 से अपराहन 4:00 तक तथा शनिवार को सुबह 9:00 से अपराहन 12:30 तक संचालित किया जाएगा। टाइम टेबल जो है वो 9:00 से कर दिया गया है, पहले 7:30 से था। तो उस अभी आने वाली ठंड को देखते हुए पिछले 10 दिनों में जो है डिग्री जो है वो 7-8 डिग्री के करीब हो गया लोएस्ट टेम्परेचर। तो अभिभावक संघ के लोग भी आए थे और हर बार ये होता है, तो उस देखते हुए अभिभावकों के सुविधा को देखते हुए, बच्चों की सुविधा को देखते हुए और शिक्षक भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाए, समय पे अपने स्कूल जा पाए, उसके लिए व्यवस्था की गई है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि शिक्षा विभाग बदले हुए समय के अनुसार जो है बच्चों को शिक्षण कार्य कराएंगे और सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षा देंगे।